नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने वाला हूं। आपको पता है 22 तारीख यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो रामलला का मूर्ति है उसका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर हो चुका है। उस सेरेमनी के अंदर 7000 से भी ज़्यादा वीआईपीज जो है वो उस पर्टिकुलर सेरेमनी के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23 तारीख से जब पब्लिक के लिए ये खुला गया तो देखा गया कि हर दिन 5 से 7 लाख विजिटर्स जो है वो अयोध्या को यहाँ पर विजिट किया है। तो इस जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने नेटवर्क कैपेसिटी को अयोध्या के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं टोटल बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी क्या कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया है। इसके बारे में मैंने रिलायंस जियो, बीएसएनएल, एयरटेल कंपनी के बारे में बताया था कि वो क्या कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया था, और आज के डेट के अंदर हमें वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रहा है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, अगर मैं पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी की बात करता हूँ तो वीआई कंपनी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट किया अपने नेटवर्क कैपेसिटी के ऊपर। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया कंपनी उनका जो लोकल अथॉरिटीज़ है, फॉर एग्जांपल अयोध्या का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, पुलिस, उसके साथ वोडाफोन आइडिया ने एक साथ मिलकर यहाँ पर काम किया है। और उनके साथ मेनली जो टावर प्लेसमेंट है, जो सेल्स ऑन व्हील सर्विस है, उसी के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर जो जो जगह के अंदर थोड़ा नेटवर्क वीक है वो जगह के अंदर मेनली उनका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या उसका नेटवर्क प्रेजेंस और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए उस जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर किया है। उसी के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो कवरेज है वो भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर साउथ कर्नाटक के अंदर वोडाफोन आइडिया अपने स्पेक्ट्रम का अमाउंट यहां पर बढ़ा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी अयोध्या के अंदर भी अपना जो 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट स्पेक्ट्रम आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी यहां पर यूज कर रहा है, उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से हमें देखने के लिए मिला है, जो है L2100 स्पेक्ट्रम कैपेसिटी। उसके अंदर कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को यहां पर बढ़ाया गया इसके बारे में तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसके अंदर अच्छे खासे डिप्लॉयमेंट जो हमें देखने के लिए मिला है, जो मेरे कस्टमर्स को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से यहां पर बताया गया कि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को काफी ज्यादा ध्यान यहां पर दिया गया है। अगर मैं कुछ प्लेसेस की बात करता हूं तो यहां पर अयोध्या के रेलवे स्टेशन, राम मंदिर कैंपस, एयरपोर्ट और कनेक्टिंग हाईवेज, लखनऊ टू वाराणसी का जो कनेक्टिंग हाईवेज है वहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो प्रेजेंस है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर किया गया और कस्टमर्स को काफी बेहतरीन बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों, वीआई कंपनी जो है वो आज के डेट के अंदर अपने 5G सर्विसेज को तो लॉन्च नहीं किया है, अपने 2G और 4G सर्विसेज को वोडाफोन आइडिया कंपनी अयोध्या के अंदर प्रोवाइड करे। जो लोग फीचर फोन को यूज करते हैं वो सारे लोगों के लिए 2G नेटवर्क, और जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन 4G नेटवर्क वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। उसी के साथ अगर मैं नेटवर्क इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ या नेटवर्क एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो वीआई कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया कि हर दिन 5 से 7 लाख नया विजिटर्स जो वो यहाँ पर अयोध्या को यहाँ पर विजिट करेंगे, जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का सिर्फ इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर उनका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10 लाख किया गया है। यानी 10 लाख लोग अगर एक साथ अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं, वहाँ पर इंटरनेट वगैरह करते हैं, अगर कॉल करते हैं किसी को, तो किसी भी तरीके का दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगे। देखिए, हर एक मोबाइल टावर का एक कैपेसिटी होते हैं कि एक साथ वो 5000 कॉल को यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी इस पर्टिकुलर मंदिर के एसोसिएट एक ऐसा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम को यहाँ पर डिप्लॉय किया है जहाँ पर हर एक बंदा अगर एक साथ भी कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक साथ इंटरनेट को यूज करना चाहे, फॉर एग्जांपल वहां पर आप विजिट करने के लिए गए, फोटो वगैरह खींचेंगे, वीडियो वगैरह खींचेंगे और उसे अगर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करना चाहते हैं तो यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 4G के ऊपर भी अपलोडिंग स्पीड की बात करता हूं तो वो हमेशा ही वोडाफोन आइडिया कंपनी का सबसे बेहतर है, और आने वाले टाइम के अंदर भी वोडाफोन आइडिया कंपनी कुछ इसी तरीके का काम यहां पर कर रहा है। तो दोस्तों, यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मिलेगा तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।